ये उत्पादन उत्पादन सीरीज़ के पहले एमसीक्यू हम शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, रेखीय समरूप उत्पादन फलन सम्मिलित है स्थिर पैमाने के प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु तक टीपी वक्र एक्स अक्ष के प्रति उन्तोदर यानी कि कॉन्वेक्स होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का बदलता है, क्या बदलता है उसमें, अनुपात बदलता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है परिवर्तनशील अनुपात का नियम से, पैमाने के प्रतिफल से, उत्पत्ति हास नियम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, पैमाने के प्रतिफल से संबंध है इसका, दीर्घकालिक उत्पादन फलन का संबंध। जब भूमि की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये जितनी ऊपर चीज़ें दी गई हैं भूमि की, पहली अवस्था, तीसरी अवस्था, दूसरी अवस्था, ये कोई चीज़ें शामिल नहीं होती। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की दूसरी व्यवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता घटती है। कौन सा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित नहीं है, पैमाने के घटते प्रतिफल। विवेकशील उत्पादन अल्पकाल में वरीयता देता है द्वितीय अवस्था को। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता घटती है। कौन सा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित नहीं है, पैमाने के घटते प्रतिफल। विवेकशील उत्पादक अल्पकाल में वरीयता देता है द्वितीय अवस्था को। अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता होती है ऋणात्मक। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था समाप्त होती है जहां एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे। उत्पादन में श्रम विभाजन एवं स्पष्ट विशिष्टीकरण उदाहरण है आंतरिक बचतों का। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण है उपयुक्त दोनों, यानी कि साधनों की सीमितता और साधनों की परस्पर अपूर्ण स्थानापन्नता। उत्पादन फलन का संबंध है उपयुक्त दोनों से एक दी गई अवधि में प्रति इकाई समय से। दीर्घकाल में साधनों का प्रयोग पैमाना बदलता है। श्रम की सीमांत उत्पादकता वक्र का गिरता है भाग प्रदर्शित करता है एमपीएल घटते प्रतिफल। जब औसत उत्पादकता गिरती है तब यह सीमांत उत्पादकता से अधिक होता है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, उत्पत्ति साधनों का। बढ़ते प्रतिफल का नियम संदर्भित करता है घटती लागत नियम। साधन कीमत रेखा ढाल होता है PX/PY। दोनों साधनों के परस्पर स्थानापन्न होने की दशा में साधन कीमत वक्र PFC क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता है। पूर्ण पूरक साधनों में समाउत्पादन वक्र अंग्रेजी अक्षर L के आकार का होता है। उत्पादक की संतुलन दशा में MPL इक्वल टू MPK, PL और PK यानी कि उत्तर A। समोत्पाद वक्र की तकनीकी प्रतिस्थापन दर होती है 24 का है B MRTS। जब स्थिर साधन भूमि की MP ऋणात्मक होती है हम किस अवस्था में होते हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर की वैकल्पिक मांग के लिए कौन सा कथन सत्य है, 26 का D।
26 का आंसर सी और 27 का देखें कौन सा नियम उत्पत्ति हास नियम पर आधारित है। तो उपयुक्त सभी किसी फर्म के लिए उत्पादन फलन निर्धारित होता है, उपयुक्त दोनों सत्य हैं यानी कि साधनों की परिवर्तनशीलता और साधनों की विभाज्यता। पैमाने का जो विचार है, पैमाने का विचार दीर्घकालीन है। परिवर्तनशील साधन की एमपी बढ़ने की दशा में एपी आवश्यक रूप से बढ़ेगी। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टीपी वक्र एक्स अक्ष के प्रति क्या होगा, कॉनकेव होता है, अवनोतदर होता है। उत्पादन की तीसरी अवस्था में एमपी ऋणात्मक होता है। जब एपी बढ़ता है तब एमपी, उपयुक्त सभी स्थितियां संभव हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर क्या होता है, आंसर बी एमपी अधिकतम होता है। जब श्रम की एपी धनात्मक किंतु गिरती हुई होती है तब एमपी की स्थिति कैसी होती है, तब एमपी की स्थिति उपयुक्त में से कोई भी हो सकती है। समोत उत्पाद वक्र मूल बिंदु के सापेक्ष जहाँ तक उन्तोदर है वहाँ क्या है, यानी कि आंसर बी उत्पादक को सदैव उत्पादन करना चाहिए। अनुपात एवं पैमाने का विचार क्रमश संबंधित है अल्पकाल और दीर्घकाल से, यानी कि बी। दोनों साधन के परस्पर स्थानापन्न होने की दशा में साधन कीमत वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है, आंसर बी। निम्न अंकित में से कौन सा कथन सत्य है, साधन कीमत प्रभाव इक्वल टू उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। मूल बिंदु में से खींची गई कोई भी रेखा क्या होती है, पैमाने को बताती है। समोत्पाद वक्र जितना अधिक चपटा होगा उसमें प्रतिस्थापन लोच उतनी ही अधिक होगी। समोत्पाद वक्र का वह भाग जो ऋतु रेखाओं के बीच में होता है उत्पादक के लिए लाभप्रद है। उत्पादन के सभी साधनों के पूर्ण स्थानापन्न होने की दशा में समोत्पाद की वक्रता पूर्णता समाप्त हो जाएगी। आंतरिक एवं भारी बचतों के कारण उत्पन्न होता है पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। दो उत्पत्ति साधन जब आपस में पूर्ण पूरक होते हैं तब उस समोत्पाद वक्र की स्थिति अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार की होती है। उत्पत्ति के साधन एवं स्थानापन्न नहीं होते जिसके कारण सीमांत उत्पादन में कमी होती है। साधन कीमत रेखा की ढाल बराबर होती है, उत्तर होगा इसमें आंसर ए एक्स साधन की कीमत बटे में वाई साधन की कीमत। उत्पादक का अधिकतम लाभ किस घटक पर निर्भर करता है, उपयुक्त दोनों स्थिति पर यानी कि साधनों की भौतिक उत्पादकता और साधन कीमत रेखा पर। दोनों के पूर्णता पूरक होने की स्थिति में साधन की प्रतिस्थापन का लोच क्या होगा, अनंत होता है। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है। तो इस पार्ट में हमने 1 से 50 तक के लिए कवर कर लिया है। अगले पार्ट में इसी का 51 से हम 100 तक कवर करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और इस चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।